Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Pal Dynasty and Sena Dynasty. इनकी politics के अलावा हम लोग इनके architecture, learning और literature के बारे में भी discuss करेंगे. So, we know Harshvardhan had controlled a major part of Bengal, जो हम लोगों ने पहले discuss कर लिया है, during Harshvardhan's chapter. तो Harshvardhan के rule के बाद, Bengal की situation काफी anarchy वाली situation हो गई थी. और छोटे छोटे चीफटेंस थे जिन्होंने कुछ अपने एरियाज बांटे हुए थे और वहां पे वो रूल कर रहे थे. तो ऐसी एनार्की वाली सिचुएशन में बंगाल के लोगों ने गोपाल वन को अपना रूलर बना दिया एंड गोपाल वन फाउंडर्ड द पाल डायनेस्टी 750 एडी के आसपास की ये इवेंट है. सो खालिमपुर कॉपर प्लेट इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है दैट गोपाल वन वॉज इलेक्टेड बाई द पीपल. देन बंगाल और बिहार के पार्ट्स पाल डायनेस्टी का कोर एरिया बनाते थे. तो जैसे कि हमने बोला काफी सारे चीफटेंस थे जो रूल कर रहे थे, तो इन्होंने बिना किसी रेजिस्टेंस के गोपाल वन की पॉलिटिकल अथॉरिटी को मान लिया था. गोपाल वन के समय पे उदंतापुरी महाविहार एस्टैब्लिश कराया गया बाय गोपाल वन एंड देन ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन धर्मपाल. धर्मपाल ने एक्सटेंशन शुरू किया एम्पायर का बट ही वॉज डिफीटेड बाय प्रतिहार रूलर वत्सराज एंड देन बाय राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव. देन राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव ने वत्सराज को हराया जिसका बेनिफिट धर्मपाल ने उठाया एंड उसने नॉर्दर्न इंडिया की तरफ अपना एक्सटेंशन शुरू किया और कन्नौज को भी कैप्चर कर लिया. देन नागभट्ट टू जो कि एक प्रतिहार रूलर था उसने धर्मपाल के कॉन्क्वेस्ट के ऊपर चेक लगाया एंड ही वॉज डिफीटेड बाय नागभट्ट टू. तो धर्मपाल को सरेंडर करना पड़ा एंड देन ही मेड एन अलायंस विद राष्ट्रकूट रूलर गोविंदा थ्री. सो गोविंदा थ्री ने नागभट्ट टू को डिफीट किया. तो ये सारी जो स्टोरी चल रही है दैट इज बिकॉज ऑफ कन्नौज विच वॉज अ पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज एंड वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. तो इसके ऊपर पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में लगातार कंफ्लिक्ट रहे. देन धर्मपाल ने बुद्धिस्ट फिलोसोफर हरिभद्र को अपना प्रिसेप्टर माना, अपना टीचर माना. देन विक्रमशिला और सोमपुरा महाविहार भी धर्मपाल के समय एस्टैब्लिश करवाए गए थे. देन धर्मपाल वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन देवपाल. देवपाल पॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहे पाला डायनेस्टी के. इन्होंने कामरूप विच इज असम का जो पार्ट है एंड देन उत्कल जो कि ओडिशा के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स को बनाता है ये वाले पार्ट देवपाल ने अपने अंडर में ले लिए थे एंड देन सोमापुर महाविहार को भी एनलार्ज कराया. बालपुत्र देव जो कि शैलेंद्र डायनेस्टी के एक रूलर थे जो मलाया जावा और सुमात्रा आइलैंड्स के ऊपर रूल कर रहे थे. बालपुत्र देव ने एक मोनेस्ट्री बनवाने के लिए नालंदा में ही रिक्वेस्टेड देवपाल दैट ही मे बी ग्रांटेड 5 विलेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोनेस्ट्री. सो देवपाल ने इसको ग्रांट कर दिया था. देन पाल एम्पायर डिसइंटीग्रेशन में चली गई बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी लेकिन महीपाल वन ने इसको रिवाइव किया. देन महीपाल वन ने पूरे बिहार के ऊपर अपना रूल एक्सटेंड कर दिया एंड वाराणसी तक महीपाल वन का रूल एक्सटेंड हो चुका था. बट चोला रूलर राजेंद्र वन ने महीपाल वन को डिफीट किया बट इससे टेरिटोरियल नुकसान कुछ महीपाल वन को ज्यादा नहीं हुआ था. देन अगेन पाल एम्पायर जब डिक्लाइन में थी रामपाल फॉर ए शॉर्टर पीरियड ही रिवाइव्ड द एम्पायर और कामरूप और कलिंगा के ऊपर इसने वापस कंट्रोल कर लिया था. रामपाल के समय की एक इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जगदल महाविहार विच वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर. लास्ट पावरफुल रूलर था पाल एम्पायर का. देन इसके बाद सेना डायनेस्टी ने धीरे धीरे पाल डायनेस्टी के सारे एरियाज को असर्व कर लिया. मदनपाल वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी एंड पाल डायनेस्टी के रूल खत्म होने के साथ साथ जो लास्ट मेजर बुद्धिस्ट इंपीरियल पावर थी उसका एंड हो गया बिकॉज पाल रूलर्स वर द पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म. देन सेना डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं. सेना डायनेस्टी को सामंत सेना ने फाउंड किया था और सामंत सेना प्रोबेबली ही वॉज ए फ्यूडेटरी रूलर. ठीक है, इनकी सेना रूलर्स की इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि देवर ब्राह्मण क्षत्रियास दैट मीन्स देवर ब्राह्मण्स एंड दे हैव ऑप्टेड द रोल ऑफ क्षत्रियास. देन विजय सेना जो कि रियल फाउंडर माने जाते हैं सेना डायनेस्टी के प्रोबेबली ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ सेना डायनेस्टी. इन्होंने मदनपाल को डिफीट किया था हु वॉज ए पाल रूलर और उसके अलावा कामरूप एंड कलिंगा इनको भी डिफीट किया और बंगाल में अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट किया. देवपाड़ा प्रशस्ति जो कि उमापति धर ने लिखी थी हु वॉज ए मिनिस्टर ऑफ लक्ष्मण सेना. लक्ष्मण सेना वॉज अ लेटर रूलर उनके ऊपर भी आएंगे हम. तो लक्ष्मण सेना के एक मिनिस्टर उमापति धर की एक इंस्क्रिप्शन है विच इज नोन एज देवपाड़ प्रशस्ति
ये यूलॉजी है ऑन विजय सेन। तो विजय सेन के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी देवपाड़ा प्रशस्ति से मिलती है। देन विजय सेन को उसके पुत्र बल्लाल सेन ने सक्सीड किया। बल्लाल सेन ने ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस को रिवाइव किया बंगाल में। सो कुलीनिज्म को इंट्रोड्यूस किया। सो कुलीनिज्म के द्वारा कॉन्सेप्ट क्या था कुलीनिज्म, ये कास्ट और मैरिज रूल्स इसमें बनाए गए थे कि कोई भी जो हायर कास्ट की फीमेल है शी कांट मैरी इन लोअर कास्ट, तो वो सिर्फ अपने बराबर की कास्ट में मैरिज कर सकती है या फिर अपने से सुपीरियर कास्ट में मैरिज कर सकती है। दिस वॉज नोन एज कुलीनिज्म। सो दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बल्लाल सेन। सो बल्लाल सेन ने वेस्टर्न चालुक्यन रूलर्स के साथ भी मैरिटल अलायंस बनाए। वेस्टर्न चालुक्यन की प्रिंसेस के साथ बल्लाल सेन का विवाह हुआ था। देन ढाकेश्वर टेम्पल जो कि अब बांग्लादेश का नेशनल टेम्पल और लार्जेस्ट टेम्पल है, दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ बल्लाल सेन। देन दाना सागर नाम से बुक बल्लाल सेन ने लिखी थी। देन देर वॉज अनदर बुक अद्भुत सागर जो बल्लाल सेन ने इनकम्प्लीट लिखी थी, बट इट वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सन लक्ष्मण सेन। सो लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन को सक्सीड किया। और एदिलपुर कॉपर प्लेट जो कि केशव सेन ने लिखी थी, केशव सेन के समय में लिखी गई थी, वो उसके द्वारा बताया गया कि लक्ष्मण सेन ने वाराणसी और इलाहाबाद में विक्ट्री पिलर्स इरेक्ट करवाए थे। सो लक्ष्मण सेन के समय रूल को ओडिशा, बिहार और वाराणसी तक एक्सटेंड कर दिया गया था। लक्ष्मण सेना के कोर्ट पोएट धोइन बोलते हैं कि लक्ष्मण सेना के कोर्ट में नवरत्नास बैठा करते थे, दैट मीन्स देयर वर 9 स्कॉलर्स हु वर पेट्रोनाइज्ड बाय लक्ष्मण सेना। बख्तियार खलजी ने बंगाल में 1203 में इन्वेजन किया और बंगाल का एक मेजर पार्ट बख्तियार खलजी के अंडर में चला गया। इसके बाद सेना डायनेस्टी लगातार डिसइंटीग्रेट होती गई और लक्ष्मण सेना के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट रूलर इसमें नहीं आया। देन इट वॉज सक्सीडेड बाय देवर डायनेस्टी। हम देखते हैं पाल और सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। बर्नट ब्रिक्स और टेराकोटा ब्रिक्स दोनों का यूज किया जाता था। देवर द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल्स। और इनके फीचर्स देख लेते हैं। कर्व्ड और स्लोपिंग रूफ जिनको बांग्ला रूफ बोला जाता है, ये एक मेन फीचर हो गया इनका। देन टॉल एंड कर्विंग शिखर्स का यूज किया जाता था टेम्पल्स में और उनके ऊपर लार्ज हमालाक बनवाए जाते थे। तो ये मेन फीचर हो गया इनके स्कूल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का। ये देख लीजिए, ये सोमापुर महाविहार है। यहाँ पे भी कुछ एक स्लोपिंग रूफ की तरह इसमें दिख रहा है, लेकिन ये पिक्चर में कुछ ज़्यादा हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये ढाकेश्वरी मंदिर की एक पिक्चर है, ये मेन टेम्पल है ढाकेश्वरी में। सो दीज आर स्लोपिंग एंड कर्व्ड रूफ्स। और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में अगर हम देख लें तो ये जो उनका शिखर है दैट इज अ कर्व्ड वन एंड इट इज अ टॉल स्ट्रक्चर। उसके ऊपर यहाँ पे अमलाक भी बनाया गया है। देन विक्रमशिला, जगदल, उदंतापुरी, सोमापुरा, ये सब एस्टैब्लिश किए थे अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पाला रूलर्स। एंड देन नालंदा महाविहार को भी एनलार्ज करवाया गया था, डेवलप कराया गया था। देन सेना रूलर्स के अंडर में ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश में, देन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एट बाराकर, ये इनकी पैट्रोनेज में कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। देन हम लोग आते हैं अबाउट लिटरेचर एंड लर्निंग अंडर पालाज एंड सेनास। सो ये पैटर्न्स थे ऑफ लिटरेचर, लर्निंग एंड रिलीजियस स्कॉलर्स। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पैटर्नाइज किया था दोनों ही डायनेस्टी ने। रामचरित जो कि अभिनंदा ने लिखी थी, एंड देन रामचरितम जो कि संध्याकर नंदी ने लिखी थी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाला रूलर्स। तो पाला डायनेस्टी की मेजर हमें हिस्ट्री इन्हीं दो एपिक बुक से, इन दो बुक से हमें मिलती है। तो रामचरितम अगर देखा जाए, एक एपिक पोयम है ये जो एक स्टोरी बताती है जिसमें साइमल्टेनियसली रामायण और रामपाल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और इसमें रामपाल जो कि एक पाला रूलर थे उनको यूलोजाइज किया गया है। देन चक्रपाणि दत्ता एक इंपॉर्टेंट फिजिशियन रहे जिनको पाला रूलर ने पैटर्नाइज किया था। अगर इनके वर्क देख लेते तो चिकित्सा संग्रह, द्रव्य गुण और सर्वसर संग्रह, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट चक्रपाणि दत्ता। देन जिमूतवाहन, इन्होंने धर्मरत्न और काल विवेक 12th सेंचुरी में लिखी थी और जिमूत वाहन को माना जाता है कि ही वॉज द अर्लिएस्ट स्मृति स्मृति राइटर ऑफ बंगाल। तो स्मृति मतलब लॉ बुक्स, तो जो हिंदू लीगल बुक्स हैं उसमें जिमूत वाहन शायद सबसे पहले स्मृति राइटर थे इन बंगाल। देन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, चार्यपदस। तो चार्यपद क्या होते थे, दे वर मिस्टिकल पोएम्स ऑफ वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। 8th और 12th सेंचुरीज में के बीच में ये कंपोज की गई थी। और जो इसमें लैंग्वेज यूज की गई दैट वॉज अबाहत्ता। तो अबाहत्ता लैंग्वेज का यूज किया गया।
ये भी पाल रूलर्स से लेके सेना रूलर्स के टाइम तक ये चलता रहा, और कुछ हद तक इनको पैटर्नाइज भी किया गया बाय द डायनेस्टीज। सो अबहत्ता ही वो लैंग्वेज है जहां से बाद में बंगाली, मैथिली, ओडिया एंड एसमिस लैंग्वेजेस डेवलप हुई थी। देन संस्कृत पोएट जयदेव, जो कि गीता गोविंद के ऑथर हैं, देन धोइन, जो कि पावन दूत के ऑथर हैं, ये दोनों को सेना रूलर लक्ष्मण सेना ने पैटर्नाइज किया था। सो जयदेव जो कि गीता गोविंद के ऑथर हैं, इनके कुछ हाइम्स गुरु ग्रंथ साहब जो कि एक होली स्क्रिप्चर ऑफ सिक्स, उसमें भी इनके कुछ हाइम्स मिलते हैं। देन धोइत जो कि पवन दूत के ऑथर है, ही वॉज ऑल्सो कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सिन्हा। देन पाला रूलर्स ने बुद्धिज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म, इन तीन सेक्ट्स को पैटर्नाइज किया था। देन कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक दीपांकर अतिशा, वज्रदत्त, देन संत रक्षिता, सराहा तिलोपा, जीना मित्रा, शीला भद्रा, ये सबको पैटर्नाइज किया गया बाय पाला रूलर्स। देन नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, उदंतपुरा एंड जगदल, ये पांच मेजर लर्निंग सेंटर थे अंडर पाला पाला रूलर्स, और ये एक नेटवर्क बनाते थे ऑफ लर्निंग। ये सारी एक तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशन थे, और इनके टीचर्स को मूव करने का भी एक राइट दिया जाता था। इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले एक चैप्टर में, सो ज़्यादा इसमें डिग नहीं करेंगे अभी। देन पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर के बारे में देखें, तो ये पाल पाल डायनेस्टी के समय और उसके बाद सेना डायनेस्टी के समय, दोनों समय ये फ्लरिश करता रहा। ब्रोंज और स्टोन दोनों के स्कल्पचर हमें यहाँ पे मिलते हैं। मेजर थीम अगर देखें तो बुद्धा, विष्णु, सूर्य, गणेश, महेश्वर विच इज अ हु वॉज अ फॉर्म ऑफ शिवा, तो ये सारी थीम्स हमें स्कल्पचर की मिलती हैं। फीचर्स अगर देख लें तो ज्वेलरी का काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है, मल्टीपल आर्म्स का यूज किया गया है। देन कार्विंग काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और क्रिस्प है, ये फीचर्स होते थे इन इमेजेस के। अगर टेम्पल इमेजेस की स्पेसिफिकली बात करें तो स्लैब के ऊपर फिगर को बनाया जाता था। ये देख लीजिए, ये वराहा का स्कल्पचर है, तो इसमें कुछ फीचर्स हमें दिख जाएंगे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये मल्टीपल आर्म्स की बात की है, तो यहाँ पे मल्टीपल आर्म्स दिखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज किए जा सकते थे। देन ये एक स्लैब है जिसके ऊपर ये फिगर स्टैंड कर रहा है। देन ज्वेलरी का भी यहाँ पे यूज शो किया गया है, कुछ कुछ इसमें से हमें समझ में भी आ रहा है। तो ये कुछ फीचर्स थे। देन पेंटिंग्स अगर देख लें तो मैन्युस्क्रिप्ट्स और मुराल पेंटिंग दोनों ही यहाँ पे बनाई जा रही थी, एंड इनका इन्फ्लुएंस जो था पेंटिंग का, दैट वाज कमिंग फ्रॉम तांत्रिक हिंदुइज्म एंड वज्रयान फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। उस समय तांत्रिज्म एंड वज्रयान, ये दो इंपॉर्टेंट फिलोसफीज बंगाल को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और इनका इन्फ्लुएंस हमें पेंटिंग्स पर भी दिखाई देता है। देन पाल रूलर्स के समय और कुछ हद तक सेना रूलर्स के समय कल्चरल रिलेशन तिब्बत और शैलेंद्र डायनेस्टी के साथ चलते रहे। शैलेंद्र डायनेस्टी हमने पहले देख लिया, मलाया, जावा और सुमात्रा में ये रूल कर रहे थे, सो इनके साथ कल्चरल रिलेशन भी इनके रहे। सो अगले सेशन में हम लोग प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में और ट्राइपोटाइट स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड हैव अ वेरी नाइस डे।